तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में जिसे आप बहुत ही कम रुपए में कर सकते हैं। बहुत ही कम रुपए इन्वेस्ट करके आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों रुपए महीने के आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे आप उस बिजनेस को करते जाएंगे, आपका बिजनेस भी ग्रो होता जाएगा। एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना बिना स्किप किए, क्योंकि दोस्तों बहुत नॉलेजफुल जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। और अगर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा, तो आप देखेंगे कि जो मैं आपको इस वीडियो में बिजनेस बताने वाला हूँ, अगर आप उसे करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और दोस्तों, 10 से 15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, पूरे प्रूफ के साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आप अपने गाँव में खरीदते हैं, जो प्रोडक्ट, जो आइटम आप अपने गाँव में खरीदते हैं, वो कितना सस्ता बिकता है, और नोएडा, दिल्ली वगैरह में वो आइटम कितना महंगा बिक रहा है। आप लाखों रुपए कमा पाएंगे 10 से 15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे थे। चलिए, मैं आपको बताता हूँ कौन सा वो बिजनेस है, और विद प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूँ, पूरे प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा कि क्या क्या आइटम आप बेच सकते हैं और आपके गाँव में कितना सस्ता वो आइटम बिकता है। तो दोस्तों, आप साइड में देख सकते हैं, ये और कुछ नहीं है, बस आप देखते हैं गांवों में गन्ना जो होता है, आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता होगा। तो आप साइड में देख रहे हैं कि एक पीस 21 रुपए का है और गांव में फ्री में ही मिल जाता है, और अगर आप ज़्यादा खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत 300-400 रुपये क्विंटल के हिसाब से आपको ये आइटम मिल जाता है, जिसे आप गन्ना कहते हैं या शुगर केन जो होती है, स्टिक होती है, इसे आप काफ़ी मतलब सस्ता आप गांव में खरीद सकते हैं। तो आप ये सोचते होंगे कि यार ये इतना महंगा खरीदता कौन है, वो भी सब बताऊंगा, और आप कहां पर बेच सकते हैं वो भी सब इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए, दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि वो प्रोडक्ट कौन सा है जो कि काफ़ी महंगा बिक रहा है। तो दोस्तों, दूसरा प्रोडक्ट आप साइड में देख सकते हैं, ये और कुछ नहीं है, बस आपने देखा होगा गाँव में पाइनएप्पल जो बिकता है, उसी के कटे हुए पीसेस हैं, और आप देख सकते हैं कितने महंगे ये बिक रहे हैं, 200 ग्राम है और कितने रुपए के हैं, आप ये भी देख सकते हैं। 100 से 150 रुपए के 200 ग्राम पीस आपके आसानी से बिक जाएंगे। कहां पर बेचेंगे वो मैं पूरे इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि आप सोचते हैं कि यार ये कहाँ बिकता होगा, ये सारा बिकता है, और ये भी दिखाऊँगा कि कहाँ पर आप बेच सकते हैं, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए बताते हैं तीसरा प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है। तो आप साइड में देख सकते हैं, ये तीसरा प्रोडक्ट है, क्या आप सोचते होंगे यार ये तो उपले हैं जो गांव में नॉर्मली होते हैं, जो जलाने के काम आते हैं, लेकिन ये जो शहर में होते हैं, नोएडा, दिल्ली वगैरह में, ये काफ़ी महंगे बिकते हैं। और आप देख सकते हैं जो नौ पीस हैं उसका प्राइस कितना है, 50 से 60 रुपये के आप आसानी से इसे बेच सकते हैं। और दोस्तों, आप गांव में इसे बहुत ही आसानी से बहुत ही सस्ते दामों में आप इन्हें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहे प्रोडक्ट की आप कौन कौन से प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और भी काफ़ी प्रोडक्ट हैं इसके साथ में, आप जो सब्जी वगैरह हैं वो भी रख सकते हैं, और वो भी आपकी काफ़ी महंगे बिकेंगे। चलिए, एक प्रोडक्ट और दिखाता हूँ आपको, और उसे देख के आप बिल्कुल आपका दिमाग जो है वो ख़राब सा हो जाएगा, आप कहेंगे कि यार इतना महंगा कैसे ये बिक रहा है। दोस्तों, आप साइड में देख सकते हैं, और ये कुछ भी नहीं है, ये वही है जो आप खाते होंगे, और गांव में रहते हैं तो आपको सब कुछ को पता होगा, ये देसी घी है जो कि हाथ से बना हुआ होता है। तो आप भी ये देख सकते हैं, 1500 से 1600-1800 रुपये किलो तक देसी घी बिकता है, और गांव में 700-800-1000 रुपये किलो तक आपको आसानी से मिल जाएगा। कहाँ पर बेचेंगे इसे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, और इसके साथ में आप क्या क्या बेच सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, कितना रुपया खर्च आएगा वो मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए, अब आपको बताते हैं, ये तो आपने देख लिया, प्रूफ देख लिया कि हाँ कंपनियां कैसे बेच रही हैं, तो आपको कैसे बेचना है, आपको तो बेचना है ना, तो आप कैसे बेच सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और कहाँ पर आप बेचेंगे वो भी सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बताते हैं कि कहाँ पर आप इन प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको, आप साइड में देख रहे होंगे, ये वही है जो दिल्ली, नोएडा वगैरह में जो सोसाइटी वगैरह होती है, ये वही हैं, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो काफ़ी मतलब रिच टाइप के लोग रहते हैं, काफ़ी पैसे वाले लोग रहते हैं, तो वही ये आइटम खरीदते हैं। आप क्या कर सकते हैं,
आपको इन आइटमों को लेना है। आप जब शुरू करें तो लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये से ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और आप इन्हें, अगर आपके पास में बाइक है तो ठीक है, अगर आपके पास में फोर व्हीलर है तो बहुत ही अच्छा है। आप उन प्रोडक्ट को अपने गांव से लें और उसमें अपने मतलब बाइक पे या आप अपने गाड़ी में रख लें, और जो सोसाइटी वगैरह होती हैं आप वहाँ पर इन्हें बेच सकते हैं, अपनी दुकान जैसी लगा सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो आप वहाँ से अपने घर से गांव से लाके और आप वहाँ पर एक दुकान सी लगा सकते हैं। बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है तो भी आप ज़मीन पे रख के इसे बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। और दोस्तों आप इनके अपने बैनर लगवा लें कि जो कंपनियों में आप देख सकते हैं कि 1500 रुपये का अगर घी मिल रहा है तो आप 1000 का बेचें। शुरू शुरू में आपको मुनाफा कम होगा लेकिन आपकी इससे जो ब्रांड वैल्यू है वो बन जाएगी और अपने ब्रांड का एक ही नाम रखें। जब आपका आइटम बिकने लगेगा फिर आप धीरे धीरे रेट बढ़ा सकते हैं। तो ये तो रहा कि आप कैसे प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और कहाँ पर प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आप इसके साथ साथ में और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो होते हैं वो रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको कि जो उपले वगैरह होते हैं उसके साथ में आप पूजा का सामान रख सकते हैं, और ये जलाने के लिए, वैसे जलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए कोई नहीं लेता, यहाँ पर पूजा करने के लिए ही लेते हैं। तो आप उसके साथ में पूजा की जो सामग्री वगैरह होती है वो रख सकते हैं, धूप रख सकते हैं। और जो आइटम ये होता है, जो उपले वगैरह होते हैं, ये नवरात्रि के टाइम पे या जो हवन वगैरह, जिन मतलब हवन वगैरह वाले जो त्यौहार वगैरह आते हैं, आप वहाँ पर उस टाइम पर इनके प्राइस हैं बढ़ा सकते हैं। उस टाइम पे इनकी सेल काफ़ी ज़्यादा होती है तो आप ऐसे आइटम बेच सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ में जैसे घी वगैरह बेच रहे हैं तो आप मक्खन और भी पनीर वगैरह रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक फ्रिज की ज़रूरत होगी। तो अगर आपके पास में फ्रिज है तो आप उसे मतलब इन उन आइटम को बेच सकते हैं। अगर आपके पास में फ्रिज नहीं है तो आप पहले छोटे से शुरू करें, बाद में आप ये सब ले सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों सभी लोग कहते हैं, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो कंपनी से ही लोग खरीदना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसे सही से बेचोगे, हर कोई जानता है कि कंपनियों में जो आइटम आता है वो कितना भी मतलब कितने भी उस पर प्योरिटी हो लेकिन फिर भी वो लोकल ही होता है और फिर भी उसमें मिलावट होती है। लेकिन अगर आप बेचेंगे सही से सामान बेचेंगे तो आप पे विश्वास करने लगेंगे लोग और आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीदने लगेंगे। और पाइन एप्पल वगैरह होते हैं वो कितने रुपए का आता है, 1 किलो का लगभग 50 से 60 रुपए का आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसके स्लाइस करके और उसके पीस करके आप पैकेट में पैक करके बेच सकते हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि 100 से 150 रुपए के 200 से 300 ग्राम आप जो इसके पीसेस हैं वो बेच सकते हैं। अगर आपका एक पीस ही, जो एक पैक है वही चला गया तो आपका जो आपके फायदे के साथ आपके जो मुनाफे के मुनाफा होगा वो भी आ जाएगा और जो आपने पैसा लगाया होगा वो भी आ जाएगा। और बाकी जो बिकेगा 1 किलो में जो 700 ग्राम जो और मतलब बच जाएगा वो तो आपका मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होने वाला है। और दोस्तों इस पे अगर किसी भी एक आइटम पर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो मैं आपको पूरी वीडियो बना के दे दूँगा, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी और आप अच्छे से उस प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। दोस्तों सोसाइटी जो सोसाइटी वगैरह होती हैं उनमें लोग ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करते, तो वो अपने आसपास ही ऐसे देखते हैं कि कोई यहाँ पर दुकान है लगी हुई, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर सोसाइटी पे जाकर, नोएडा में सोसाइटी के आसपास वहाँ पर जाकर देखा है। कुछ लोग होते हैं जो कार में ही आइटम रख लेते हैं, चीकू वगैरह है, आलू वगैरह है, टमाटर वगैरह है, ये आइटम रख लेते हैं। और आप मतलब जान के हैरानी होगी आपको, जो आलू 20 रुपये को बिकता है वो 40 रुपये को वो बेचते हैं, 40 रुपये किलो, टमाटर 50 को बिक रहा है तो 70 को 80 को बेचते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और अगर आप नोएडा के आसपास के हैं तो आप इन प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। अगर आप नोएडा से ज़्यादा दूर के हैं, लगभग 100 से 200 किलोमीटर दूर के हैं, तो आप उसे वहाँ से ले जाकर और आप रूम वगैरह ले सकते हैं, वहाँ पर आप उन प्रोडक्ट को रख सकते हैं। और शाम के टाइम में आप निकल जाइए सोसाइटी के, किसी सोसाइटी के आसपास, और वहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, सचमुच कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, आप यकीन करिए, और लाखों रुपए आप इस बिजनेस से कमा पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, और ऐसी जानकारी मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ।
इसीलिए आप बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आप सोचते हो कि कोई चार्ज होता है तो उसका कोई चार्ज नहीं होता है। और भाई आप समझते हैं कि लाइक करने से मुझे पैसा मिल जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। केवल आप अगर वीडियो देख लेते हैं तो उससे ही पैसा मिल जाता है। तो मैंने इस ये खुल के काफ़ी वीडियो में बताया भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि लाइक कर देंगे तो उससे पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आप वीडियो देख लेंगे उससे ही मुझे पैसा मिल जाता है। तो ये भी बहुत, हाँ कि कुछ सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। आप भी करके ये पैसा कमा सकते हैं। आप भी अगर आप में भी मतलब आप भी वीडियो बना सकते हैं और आप भी पैसा कमा सकते हैं। इसके ऊपर कोई अन्य मतलब आगे वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे YouTube और Facebook से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो आज मैंने इसमें बताया कि बिजनेस के बारे में, ये बिजनेस करके आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। चलिए आपको ये सब बताना था। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।